हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका था क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें फोर्स में पढ़ चुके थे कि फोर्स क्या है, व्हाट इज़ फोर्स। उस इंट्रोडक्शन क्लास चला था जिसमें कि फोर्स के कारण डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, शेप में कैसे चेंजिंग आता है, या पोजीशन को कैसे चेंज करता है, या मोशन में कैसे चेंजिंग आता है, ये सब पढ़े थे। उसमें फोर्स के दो टाइप को हम डिस्क्राइब किए थे, कौन कौन सा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या हम पढ़ाए थे, उसमें मस्कुलर फोर्स पढ़ाए थे पहला, सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स। तो जो मैस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है भाई, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तीन आता है। पहला क्या आता है, पहला मैग्नेटिक फोर्स आ गया, सेकंड क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स दो टाइप का हो गया, एक मैस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट तीन टाइप का डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है। तो तीन टाइप में कौन कौन आज पढ़ना है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। चैप्टर नंबर 11 है ना जी, चैप्टर नंबर 11 ही होगा। चलिए तो हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम क्या था, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड फोर्स एंड प्रेशर, इसमें हम क्या पढ़ने हैं, पढ़ना है इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो सबसे पहले जाने कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़े थे कि अगर किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट में फोर्स लगे या कॉन्टैक्ट के साथ ही उसमें फोर्स लगे तो ही हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे हम क्या बताए थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को या गाड़ी को हम धक्का दे रहे थे, ये दोनों का कॉन्टैक्ट में आ रहा है तभी तो उस पर धक्का दे पा रहे हैं, तभी वो डिस्प्लेस हो रहा है, गाड़ी का डिस्प्लेस होना। अगर किसी गाड़ी को हम धक्का दे रहे हैं तो गाड़ी डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब हम कॉन्टैक्ट में उस पर फोर्स लग रहा है तभी वो गाड़ी डिस्प्लेस हो रहा है, ये कॉन्टैक्ट। जैसे मस्कुलर फोर्स में क्या बोले थे कि अगर कोई मतलब स्टूडेंट अपना बैग को कैरी करके स्कूल जाता है तो बैग कैरी कर रहा था, इसका मतलब कि ये मस्कुलर इस पे फोर्स, मस्कुलर मतलब कि अपना बॉडी इस पे फोर्स लगा रहा, तभी तो उसको लिफ्ट कर पा रहे हैं, तभी तो एक दूसरे से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं। जैसे बकेट को उठाना, बकेट को उठाना क्या मस्कुलर फोर्स था, मतलब कि कॉन्टैक्ट में दोनों फोर्स लग रहा है, बकेट और हाथ के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो हाथ से जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तभी तो हम बकेट को उठा पा रहे हैं, या मसल्स के थ्रू जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा तभी तो बकेट को उठा पा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कॉन्टैक्ट में हो रहा। अब इसमें पढ़ना कि नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट हुआ कि इसमें किसी भी कॉन्टैक्ट का मतलब नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट दूर दूर हो, दोनों दूर दूर हो, टच से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी उस पर फोर्स लगता, इसका मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो रहा है। इसमें पहला इसमें पढ़ना है, पहला पढ़ना है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, हमें पता है कि सभी बच्चों ने मैग्नेट को जरूर देखा होगा, मैग्नेट को तो देखा है जी हाँ, आप लोग मैग्नेट जरूर देखेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप मैग्नेट को देखेंगे तो अगर कोई मैग्नेट को अगर आयरन के नज़दीक लेके जाते हैं या आयरन के पास लेके जाते हैं तो क्या होता है, उस आयरन ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। हम इसके ऑलमोस्ट नज़दीक लेके जाने पे, ये नहीं कि हम टच करते तो ही सटता है, नहीं, इसके नज़दीक लिए तो वो ऑब्जेक्ट ऐसे टान लेगा, मैग्नेट है जो ऑब्जेक्ट को टान लेगा। जैसे ये मैग्नेट आपका है, ये मैग्नेट आपका हो गया, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल कुछ भी दे सकते हैं। अगर यहाँ सपोज ये कॉइन है, ये कॉइन हो गया, कौन सा, आयरन कॉइन या कुछ भी हो सकता है कॉइन। तो अगर एक कॉइन को इसके नजदीक लेके जाएंगे तो ये इसकी ओर खींचा चला आएगा, इसका मतलब कि इस दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये कॉइन को अपनी ओर खींच लेता है,
तो यही कह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स में बिना कोई मीडियम, इसमें मीडियम की जरूरत पड़ा नहीं, बिना कोई मीडियम का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच लेना मैग्नेटिक फोर्स कहलाया, कि ये मैग्नेट इस कॉइन को अपनी ओर खींच रहा है, इसमें कोई टच से कोई मतलब नहीं है, विदाउट द वायरलेस वायरलेस किसी ऑब्जेक्ट को खींच ले, तो यही यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो गया। जैसे में आप लोग पढ़े होंगे, एक सेकंड, आप लोग पढ़े होंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है इसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर क्या क्या होता है भाई, चाहे वो रिपेल कर सकता है या वो अट्रैक्ट कर सकता है, या रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, इसका मैग्नेटिक का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर चाहे वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। यहां पर देखें कि जैसे ये एक मैग्नेट हो गया, मैग्नेट वन हो गया, एम वन मैग्नेट वन, अगर सपोज यहां एम टू बना दें मैग्नेट टू, ये मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, और एक यहां उसी टाइप का एक और मैग्नेट बना दें, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, और एक यहां और मैग्नेट बनाते हैं, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेट का ये डुअल नेचर क्या कहता है, कि अगर कोई मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को अगर हम सटाएंगे या टच में लाएंगे तो एक दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा, या उसके नजदीक लाएंगे तो दोनों को अट्रैक्ट कर लेगा। अगर कोई मैग्नेट को नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर दोनों को नजदीक लाएंगे तो दोनों आपस को अपनी ओर खींचेगा, मतलब कि दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों अपने आप सटेगा। लेकिन वही अगर वो डायरेक्शन दोनों का डिफरेंस, सपोज एक का डिफरेंस हो जाए, जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है और दूसरा मैग्नेट साउथ पोल उसके जस्ट अपोजिट में है, ये साउथ पोल इसके जस्ट अपोजिट साउथ पोल, अगर साउथ पोल दोनों एक साथ आए, अगर मैग्नेट को लाया जाए तो वो दोनों को रिपेल करेगा। साउथ पोल है जो अपना इस पर फोर्स लगाएगा, नॉर्थ पोल अपना इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे से रिपेल होता चला जाएगा। इसका मतलब कह रहा है कि लाइक पोल हमेशा रिपेल करता है, अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करता है। यही मैग्नेटिक फोर्स का डुअल नेचर हुआ, कि ये बोल रहा है कि जो लाइक ये अनलाइक, ये अनलाइक डायरेक्शन हुआ, ये अनलाइक हुआ ना जी, साउथ हो या नॉर्थ, अनलाइक, तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगा, यहां अट्रैक्ट होगा या अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन इस कंडीशन का। वही अगर इसका डायरेक्शन सेम आ जाए, साउथ पोल है ये भी साउथ पोल, तो ये इधर अपना फोर्स लगा रहा है, ये चाहेगा ये मतलब कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, मतलब कभी दोनों मिलेगा नहीं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिपल्सन हो रहा है, मतलब एक दोनों को रिपेल कर रहा है, रिपल्सन कंडीशन, मतलब ये दोनों को अनलाइक, लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, या अनलाइक पोल में क्या होता है, दोनों को अट्रैक्ट करता है। अब बात में आई इसमें, अट्रैक्शन कहां होता है, रिपल्सन क्या कहां होता है, जब वो लाइक या अनलाइक पोल रहेगा तो उस कंडीशन में अट्रैक्शन होगा, और जब यहां अनलाइक पोल होगा, सॉरी लाइक पोल होगा, साउथ 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 दोनों है, तो ये दोनों में रिपल्सन होगा, ये दोनों कभी एक दूसरे से टच नहीं होगा, ये हमेशा एक दूसरे से दूर भागेगा। इतना ही बात समझ में, अब चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट बताने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में चार्ज को प्रोड्यूस कर देना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। मतलब कि किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को
फ्रिक्शन के थ्रू या हीट के थ्रू अगर उसमें चार्ज प्रोड्यूस कर दे और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपल्सिव कर दे तो वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे मैं आप समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इसको समझने के लिए एक तो एनसीईआरटी एग्जांपल दिया हुआ है, उसको तो हम एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। उससे पहले आप तो नॉर्मली समझिए। सपोज आप कभी आप बचपना में या 6-5 क्लास में आप ये जरूर किए होंगे कि बाल में ऐसे घर्षण करने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को बाल में से घर्षण करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लगड़ने के बाद किसी छोटा छोटा स्ट्रिप कागज के टुकड़ा को, छोटा छोटा कागज के टुकड़ा को दम मासलेस दम हल्का हल्का दम हो उसको अगर ऐसे सटाते हैं तो वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, मतलब कि कागज का टुकड़ा इसमें अट्रैक्ट हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि ये इसमें हमें फ्रिक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट करने घर्षण या लगड़ने के बाद क्या हो जाता है, लगड़ने के बाद इसमें चार्ज आ जाता है। अभी न्यूट्रल है और इसको ऐसे घर्षण करने या लगड़ने के बाद इसमें चार्ज आ जाता है। चार्ज आने के बाद जो अनलाइक चार्ज का होता है जिसमें न्यूट्रल होता है उसे, जैसे कागज का टुकड़ा न्यूट्रल हो गया उसमें कोई चार्ज नहीं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता, कागज का टुकड़ा इसमें सट जाता, मतलब कि इसको लगड़ने पर इसमें चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लोनेशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है जिसमें चार्ज आ जाता है, चार्ज के कारण कागज का टुकड़ा इसमें अट्रैक्ट हो जाता है। जैसे कंघी कॉम, कॉम को अगर यहाँ पे लगड़ने के बाद वही कागज का टुकड़ा या छोटा छोटा किसी भी धूल कण एकदम छोटा छोटा क्यों ऐसा सटाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अलबल सट जाता है, कुछ भी कचरा चीज सट जाएगा। इसका मतलब है कि ये चार्ज हो गया, चार्ज के कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बात समझे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन या हीट के कारण उसमें चार्ज आ जाना, लगड़ने के कारण उसमें चार्ज आ जाना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। चार्ज आ जाने के बाद जो अट्रैक्ट करता है किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को, एकदम मासलेस छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वही इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या है भाई कि एक ये टेबल है ना, कैसे बनाए टेबल, चलिए ऐसे ही बनाते हैं टेबल। एक टेबल है, टेबल कैसे बनाएं जी, चलो छोड़ो हटाओ ना, टेबल क्या बनाना, जनरली बनाते हैं कि ये एक रॉड है, रॉड तो समझ रहे हैं, छड़ जिसको हम रॉड हम बोल रहे हैं, रॉड ये रॉड हो गया, ठीक है, या कुछ भी लकड़ी का या लोहा का कुछ भी रॉड हो गया। इसमें है कि एक थ्रेड से एक स्ट्रोक को बांधा गया, स्ट्रोक तो समझ ही रहे हैं, एक स्ट्रोक को ऐसे, स्ट्रोक तो सब जान रहे होंगे जिससे हम डाब वगैरह पीते हैं जो पंप होता है उसी को स्ट्रोक बोलते हैं। एक स्ट्रोक को बांधा गया है, ये क्या है स्ट्रोक, ठीक है, एक स्ट्रोक को बांधा गया है। अब इसके बाद एक ये दूसरे स्ट्रोक जो है, जो दूसरा स्ट्रो है, ये दूसरा स्ट्रो यहां पे है, जो दूसरा पंप है, अगर उसको हम ऐसे घर्षण करते हैं
या इसमें दोनों बॉडी कॉन्टेक्ट में ला के इसे घर्षण करते हैं, या सपोज किसी कपड़ा से उस पर लगड़ते हैं या पेपर से उसे लगड़ते हैं, कुछ देर लगड़ने के बाद स्ट्रोक को चाहे बाल में लगड़िए, चाहे किसी कपड़े से लगड़िए, चाहे किसी कागज के टुकड़े से लगड़िए, कागज के पेपर से लगड़िए, कुछ देर लगड़ने के बाद अगर वो इसके नज़दीक लाइएगा स्ट्रोक को, अगर ये भी प्लास्टिक का, ये भी प्लास्टिक का, स्ट्रो प्लास्टिक का ही होता है ना, डाब वाला किससे पीते हैं, स्ट्रो से, पंप से, तो प्लास्टिक का ही होता है। मतलब अगर जो स्ट्रो है प्लास्टिक स्ट्रो, उसमें भी अगर कागज से लगड़े या किसी कपड़े से लगड़े, लगड़ने कुछ देर लगड़ने के बाद अगर इस स्ट्रो के बीच में ये क्या था जी, स्ट्रिंग है, समझ लेना स्ट्रिंग है ये, अगर इसके नजदीक लाएंगे तो ये अपनी ओर ये अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, मतलब कि ऐसे है तो ये कुछ देर के बाद कंफर्म ये पोजीशन इस टाइप का हो जाएगा, मतलब यहां सटाने के बाद ये अपना पोजीशन ऐसे कर, मतलब अपने इसकी ओर खींचाएगा या खींचा चला आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है, इसके अंदर चार्ज मौजूद है, क्योंकि इसे हम पेपर से घर्षण किए थे और क्या किए थे, या कपड़े से घर्षण किए थे, तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो गया। चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर काम करने लगता है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसको अपनी ओर खींचा चला आ रहा है। अगर सपोज पहला कंडीशन हो गया, सेकंड कंडीशन अगर हम इसे भी, पहला स्ट्रो को भी, पहला स्ट्रो है ये सेकंड स्ट्रो, अगर पहला स्ट्रो को भी पेपर या क्लॉथ से लगड़ेंगे, या सेकंड क्लॉथ को भी, दोनों को पेपर या क्लॉथ से हम लगड़ेंगे, पहला कभी और दोनों को भी, दोनों को अगर हम लगड़ेंगे और उसके बाद एक कुछ टाइम के बाद इसके दोनों के नजदीक लाएंगे, तो ये यहां करेगा, ये है जो ये पोजीशन को रिपेल करेगा, मतलब यहां से ये यहां आना चाहेगा या यहां हो जाएगा। अगर दोनों को हम, ये केस वन में ये हुआ था, केस वन में क्या था कि फर्स्ट स्ट्रोक को क्या कहते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक को हम लग रहे थे, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था। और लेकिन अगर हम दोबारे में इसको भी हम मतलब लग रहे थे, या इससे भी हम क्या कहते हैं घर्षण किए थे, या इससे भी घर्षण करने, दोनों को, इसको भी और इसको भी, उस कंडीशन में एक दूसरे को रिपेल करेगा, मतलब ये यहाँ नज़दीक लाएंगे तो ये मूवमेंट ये साइड होगा। कब होगा, जब इसको भी हम घर्षण करवाएंगे और इसको भी रब करवाएंगे, इसको भी रब करेंगे क्या चीज़ से, पेपर से या क्लॉथ से, दोनों को रब कराएंगे तो ये चाहेगा कि ये इधर आने के लिए। इसीलिए क्या होता है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज आ जाए, जब दोनों ऑब्जेक्ट में क्या, पहला क्या बोले कि एक था चार्ज, ये पहला क्या था, फर्स्ट स्ट्रो चार्ज, और ये सेकंड कंडीशन में आया। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रो बोथ आर चार्ज। पहला केस में था कि पहला स्ट्रो को चार्ज में लाने के बाद यहां अट्रैक्ट किया तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, और दूसरे कंडीशन में दोनों को चार्ज में लाने पे, दोनों को चार्ज के फॉर्म में कर दिए, उसके बाद एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं तो ये रिपेल हो रहा है। इसका मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट चार्ज में आ जाए तो ही अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों चार्ज में हो जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये इतना बात समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं। ये कब होगा जी, जब कोई एक ऑब्जेक्ट चार्ज हो, एक न्यूट्रल हो, तब अट्रैक्ट होगा। जब दोनों चार्ज हो, चार्ज ऑब्जेक्ट हो, तब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। आई बात समझ में। चलिए अब इसका थर्ड पॉइंट है, या थर्ड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको पता होगा क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को आप लोग ऑब्जर्व किए हैं कभी? हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, बस सिर्फ जो बताएगा वही समझेंगे क्या होता है। देखिए क्या होता है, सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, अगर सपोज एक फुटबॉल को किक मारो ऊपर, फुटबॉल को किक मारो, तो किक मारे हैं तो उस इसके ऊपर कुछ मीडियम है नहीं ना, तो किक मारे तो ये बॉल ऊपर चलते चला जाना चाहिए, चलते चला जाना चाहिए, जहां तक हो सके चला जाना चाहिए किक मारने पे। पर ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि एक पृथ्वी के द्वारा किसी भी ऑल सभी ऑब्जेक्ट पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, या अब ये एक्स्ट्रा फोर्स मतलब पुल अपने ओर खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि सभी ऑब्जेक्ट पे जब हम ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ते हैं या ऊपर की ओर किक मारते हैं तो वो फिर धरती पे है या अर्थ पे सरफेस पे क्यों चलाता है? क्योंकि ये पृथ्वी एक अपनी ओर खींचने वाली एक फोर्स लगाता है। किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालने के बाद नीचे क्यों चलाता है? क्योंकि पृथ्वी के द्वारा एक अपनी ओर खींचने वाली एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। जी इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो किए तो वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है या काम कर रहा है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है। अगर नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो अगर हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो बॉल चला जाता, जहां उसको जाने का रहे वहां चला जाता, मतलब वो रुकता नहीं, चलते जाता। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही किसी ऊपर फेंके हुए ऑब्जेक्ट को नीचे आने के लिए मजबूर कर देता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। आई बात समझ में कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बड़ा काम है? अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, अगर हम ऐसे उछलते तो हम उछलते और कितना ऊंचे चले जाते वो कोई पता नहीं होता। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स करें तो हम नीचे आ रहे हैं, ऐसे उछल रहे तो हम उछले हुए चले जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मतलब कि हम धरती से सटे हुए या चिपके हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जैसे सपोज अगर ऐसे हम ये पेन को ऐसे हम गिराते हैं तो ये कहाँ आया? नीचे आया ना। क्यों आया नीचे? इसको ऊपर क्यों नहीं गया? अरे ऊपर इसलिए नहीं गया कि ऊपर इसको कोई फोर्स एक्ट ही नहीं कर रहा। जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो नीचे वाली फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ के या धरती के पृथ्वी के सतह के द्वारा जो अर्थ के सरफेस एरिया के द्वारा जो अर्थ के द्वारा उस पर फोर्स लगा रहा है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स पुल फोर्स है। कैसा फोर्स है? पुल फोर्स है। पुल फोर्स मतलब अपनी ओर खींचने वाली फोर्स, इसलिए कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए पुल फोर्स। ये अपनी ओर किसी भी हर ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसमें हम देखें ग्रेविटेशनल फोर्स और एक वन टू या ओनली टू ऑब्जेक्ट के बीच नहीं लगता, किसी भी टू या मोर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है या लगता है। जैसे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या पड़ता है, उसमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है, एक चाहे चार्ज हो या न्यूट्रल हो या दोनों चार्ज हो तभी एक दूसरे फोर्स लग रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है टू या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स एक्ट करता है या काम करता है या लगता है। आई बात समझे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स यही हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने धरती के सतह से जोड़े रखना ही ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो नीचे की ओर क्यों चलाता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है तभी वो नीचे की ओर चलाता है। चलिए इतना आपको बात समझ आया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। पहला क्या था जी? मैग्नेटिक फोर्स। सेकंड क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका तीन इंपॉर्टेंट फोर्स था। अब इसमें पढ़ेंगे हम क्या? अब इसमें पढ़ेंगे प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? आप लोग जनरल आपको सभी को पता होगा कि प्रेशर क्या है, पर किसी भी प्रेशर होता है किसी भी एरिया पे या किसी फोर्स जो लगता है पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू, डिफाइन हम करते हैं प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है,
फोर्स बाई एरिया इज कॉल्ड ए प्रेशर। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर लग रहा है, ये हम कैसे मेजर करेंगे कि जितना ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को कितने एरिया में काम कर रहा है या कितने एरिया में उस पर फोर्स लग रहा है, उसी का हम फ्रैक्शनल पार्ट को ही हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे हम बोले कि कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे ये सरफेस है, ठीक है, ऊपर से हम सपोज ऊपर से ये पूरे पर से पूरे से हम इस पे 10 न्यूटन फोर्स डाल रहे हैं, तो ये ब्लॉक पर लगने वाली प्रेशर क्या है। प्रेशर ये मान के ब्लॉक है, क्यूब ब्लॉक है जिसका 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है, साइड इसका 2 सेंटीमीटर, तो मतलब कर रहा है कि इस पे फोर्स जो लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है कहां तक लग रहा है, फोर्स पूरे इसके एरिया पे लग रहा है, पूरा एरिया पे लग रहा है ना, फोर्स पूरा एरिया पर फोर्स लगा, फोर्स पूरे एरिया पर लगा, इसका मतलब है कि जितना हमें फोर्स लगेगा और उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एरिया से कि कितने एरिया में वो फोर्स लगा रहा है, जितने एरिया में फोर्स लगाएगा उतने एरिया को हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। अब बात तो आई समझू कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। किसी एक यूनिट एरिया पर लगने वाली फोर्स को ही हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे कूली का दो नाम सुनेंगे, कूली जो स्टेशन वगैरह पर जाते हैं, कूली जो लैगेज वगैरह उठाने वाला जो होता है, लगेज वगैरह उठाने वाला कूली को देखते हैं सर पे कोई एक चौड़ा सा पगड़ी टाइप का बांधता है, कोई चौड़ा सा, ठीक है, या कोई कोई बड़ा सरफेस मतलब कि एरिया मतलब सर से थोड़ा बड़ा किस लिए बांधता है पता है, क्योंकि जब वो लगेज उठाए तो उसका प्रेशर कम हो जाए। अब प्रेशर कैसे कम होगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है, प्रेशर जो होता है फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब एरिया कम होगा, और अगर एरिया अगर प्रेशर घटेगा तो इसका मतलब हुआ कि एरिया बढ़ेगा। आई बात समझ में, दोनों एक साइड लिख लेते हैं, एरिया बढ़ेगा। क्या बोल रहा है, ये पहला का ये पहला है, ये सेकंड का ये सेकंड है, इसका मतलब बोला कि प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कमेगा, अगर प्रेशर कमेगा तो एरिया बढ़ेगा। इसी तरह से यह है कि अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अब प्रेशर कमेगा तो फोर्स भी कमेगा, एक दोनों से रिलेटेड है। इसीलिए वो जो कूली होता है वो सामान लगेज उठाने से पहले वो पगड़ी या कुछ बांध लेता है चौड़ा अपना सर के सरफेस एरिया से ज्यादा, किस लिए बांधता कि इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर का कमी हो जाएगा। जब प्रेशर का कमी होगा तो आसान से उसको लेके जा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जा सकते हैं। आई बात समझ में कि वो क्यों इस पे कुछ एक्स्ट्रा सर से बड़ा कोई एरिया वाली चीज रखता है, क्योंकि इस पे एरिया बढ़ा देने पे प्रेशर कम जाता है, प्रेशर कम जाएगा तो इंसान को भार कम लगेगा। आई बात समझ में, अब देखिए अब क्या होता है नेक्स्ट, ऐसे प्रेशर का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है जी, यूनिट इसका लिए फोर्स का क्या होता है न्यूटन, इसको एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, पास्कल, इसी को हम बोलते हैं पास्कल, ये यूनिट हो गया स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल,
प्रेशर को क्या यूज करते हैं, पास्कल, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, उसी को क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट चाकू को लेते हैं, एक एग्जांपल हम क्या लेते हैं, चाकू लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल हम चाकू लिए, तो चाकू का जो काटने वाले हिस्सा होता है उसका कम होता है, क्यों, इसलिए कम कर दिया जाता है एरिया कि उस पर प्रेशर ज्यादा लगे। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगा तो हम आसानी से कटेगा। किसी ऑब्जेक्ट पे हमको कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब कि वो आसानी से कट जाएगा। अगर वही एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे तो उस पर काटने वक्त प्रेशर कम लगेगा, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम लगेगा, तो जब प्रेशर कम लगेगा तो वो बहुत दिक्कत होगा काटने में। आई बात समझ में। चाकू का जो काटने वाले हिस्सा को एरिया कम कर दिए, कम कर दिए तो उस पर, उस ऑब्जेक्ट पे जब काटने वक्त उस पर हल्का फोर्स भी लगाने पे उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया हम उसका कम कर दिए तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो आसानी से कट जाएगा। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर ज्यादा लग जा रहा है तो आसानी से कट जाएगा। अगर वही हम उसका एरिया बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने में हमको क्या होता है, डिफिकल्टी होता है काटने में। क्यों डिफिकल्टी होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर कम गया, प्रेशर कम गया तो उनको ज्यादा मेहनत लगेगा काटने में। जैसे कील को देखो, कील का जो पॉइंटेड होता है, एक अपोजिट सा पॉइंटेड है, एक चौड़ा होता है, क्यों होता है कि पॉइंटेड इसलिए देता है कि इसमें एरिया को कम कर दिया जाता है, कम कर दिया करने के कारण इसमें हम हल्का भी फोर्स लगाएंगे तो यह आसानी से कील दीवार में या कार्डबोर्ड में अंदर घुस जाएगा। क्यों घुसेगा, क्योंकि इसका एरिया कम कर दिए हैं, फोर्स लगाए तब प्रेशर हमको ज्यादा लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आसानी से अंदर की ओर कील चला जाएगा। इसी का मतलब हुआ कि जब कम काम करेगा, जब एरिया इसका कम कर देंगे तो उसे प्रेशर ज्यादा काम करता है, और जब हम एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम होता है, जिससे हमको परेशानी होगा किसी भी चीज को काटने में या दीवार में कील को घोसने में या मतलब ठोकने पे। आई बात समझ में। तो आपको समझ में आ गया प्रेशर का क्या काम, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट पास्कल। ये आपको हो गया प्रेशर, प्रेशर को मिलाया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स का होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। तो आज के लिए बस इतना ही हम रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर के बाद कौन सा चैप्टर है जी देख लेते हैं, प्रेशर एग्जैक्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट हम बताएंगे प्रेशर एग्जैक्टेड इन लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस में कैसे प्रेशर एग्जैक्ट होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट जोड़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और हम अपना कंटेंट को अच्छा और बना पाएँ या और अच्छे अच्छे कंटेंट हम दे पाएँ। और कुछ भी डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 73 वाली, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए, इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।